नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएसएस न्यूज में। मैं प्रदीप सालदी आज संगम विहार की एक ऐसी घटना आपको दिखाने जा रहा हूं जिस घटना को देखकर आपके खुद के रोंगटे कांप जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे पीड़ित परिवार की जिसकी बेटी इकलौती बड़े लाड़ प्यार से पाली हुई, उसके ससुराल वाले आज की डेट में उसे काफी प्रताड़ित कर रहे हैं। आज हालात ये है कि वो लड़की जान बचा के आज अपने मायके में शरण ले रही है। परेशानी करते हैं बहुत, लड़की को मारते पीटते हैं और कहते हैं दहेज ला अपने बाप से। और मेरी लड़की को जब से शादी हुई है मोटरसाइकिल ये वाली चाहिए, मैंने वो मोटरसाइकिल दी उसको, कि मेरे नाम से चाहिए मोटरसाइकिल, मैंने वो मोटरसाइकिल उसके नाम से लेकर दी। फिर के जब शादी हो गई उसके बाद में बच्चे से बोलता अपने पापा 10,000 रुपये लेगा, 5,000 रुपये लेगा, 20,000 रुपये लेगा, मैं 3 बार पैसे दे चुका हूँ। अब फिर इसे 2 लाख रुपये मांग रहा तो मैं कहाँ से पैसे लगाऊँ इसको, माँ बेटे मेरे पास हो गया। तो अब तक आपने शादी में कितने पैसे खर्च करे हैं? मैं शादी में करीब 8,000 रुपये खर्च किया था। और शादी के बाद अब तक दो साल के दरमियान इसको मैं 30,000 रुपये कैसे दे चुका हूँ। और बात करते हैं हम उस पीड़ित लड़की से, जो लड़की इन समस्याओं से जूझ रही है, जिसे अपनी जान का भी काफी खासा खतरा दिखाई देता है। शादी के बाद से मुझे परेशान करते थे बहुत ज्यादा, यही दहेज के लिए ही, और घर के सामानों को लेकर मेरे साथ मारपीट करते थे, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे बस। दूसरा सवाल ये है मेरा, अभी ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि आप अपना ससुराल छोड़कर मायके में हैं? मायके में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट करी है बहुत बुरी तरह से। मैं बस अपनी मैंने जान बचाई है किसी तरह से, और वो मुझे मेरे घर के बाहर छोड़कर वापस चले गए, और लड़ाई बहुत ज्यादा हुई थी, मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा मेरे चोट आई है, बुरी तरह से मेरे साथ मारपीट की गई है। तो ये जो आपने उस समय कंप्लेंट नहीं करी जिस समय मारपीट की और आपका गला दबाने की कोशिश करी? कंप्लेंट करी थी हम, मैं यहाँ पर आते ही हम थाने में गए थे, लेकिन कोई कंप्लेंट उन्होंने दर्ज नहीं करी है। उन्होंने कहा ये हस्बैंड वाइफ का केस है, आप वुमेन सेल में जाइए। कोई मेडिकल आपने चेकअप करवाया? जी मैंने मेडिकल कराया है, मेरा अपना मेडिकल कराया था खुद जाकर। अच्छा, उसमें क्या रिपोर्ट आई है? उसमें मेरी सारी इंजरीज आई हुई है, जो मेरे चोट लगी है सारी है उसमें रिपोर्ट में। तो अभी जो MLC है, मेडिकल लीविंग सर्टिफिकेट है, उसको आपने थाने में दिखाया कि भाई ये मेडिकल लीविंग सर्टिफिकेट है, आप मेरी दरख्वास्त लो और है ना सख्त से सख्त कार्रवाई करें? दिखाया सर, MLC भी दिखाई है, लेकिन वो पुलिस वाले कह रहे हैं ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का मामला, हम नहीं कर सकते कुछ भी, और ये छोटी सी घर जो है सिर्फ छोटी बस यही बात कह रहे हैं। बल्कि जिस दिन मैं आई हूँ, जब मैं थाने में गई हूँ, तभी भी मेरा मुंह पूरा सूजा हुआ है, पूरा में मेरे मतलब ब्लडिंग हुई है, और नाखून से फेस मेरा नोचा गया है, गला दबाया गया है, इतने गहरे निशान थे मेरे, और मेरे बैक पे भी बुरी तरह से, क्योंकि जो भी उन्होंने मुझे मारा मारपीट करी है सारा था, मेरा मुंह सूजा है बुरी तरह से, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कुछ गौर नहीं किया है। अभी भी मेरे काफी निशान मेरे बैक पे अभी भी हैं, पीछे हैं, बुरी तरह से मतलब बहुत बुरी तरह से मेरे पास साथ मारपीट की गई है। ये पहली बार हुआ है या निरंतर ये मारपीट चलती है? पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है मेरे साथ, कितनी बार हुआ है, इसी तरह से वही पैसों की मांग करते हैं, मारपीट के मेरे घर छोड़ जाते हैं। पहले भी मैं 3 महीने के लिए एक बार रह गई हूँ, एक बार 4 महीने के लिए रहकर गई हूँ, जिसे मारपीट के ही छोड़ कर चले जाते हैं, वही फिर थोड़े दिनों बाद घर वाले भी मुझे समझा के, और वो भी आ जाते हैं इसी तरह से, भेज देते हैं वापस से, कोई बात नहीं हो जाती है ठीक है, अब नहीं अब से गलती नहीं होगी, जो भी है फिर से मुझे भेज भी देते हैं, लेकिन वो सुधरते नहीं है इस तरह से, मानते नहीं है। तो आपको जैसे पहले भी मारपीट हुई है, उसमें आपने उस समय कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह? नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेंट कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, तो अभी आप हमारे जो सोशल मीडिया है, हमारा जो न्यूज़ रिपोर्ट के लिए हम आए हैं, क्या गुजारिश करना चाहते हैं? क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, काफ़ी सारी एक जनता जन समुदाय है जो लोग है ना आपके सहयोग के लिए खड़े हैं न्यूज़ देखने वाले, तो उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं, वो किस तरीके से आपकी मदद करें? सर मैं बस यही चाहती हूँ, मैं 2 साल हो गए मेरी शादी को, मैं 2 साल से यही सब चीज़ें झेल रही हूँ, मेरे साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, बुरी तरह से मारपीट की जाती है, मैं इंसान हूँ, मैं कोई जानवर नहीं जिस तरह से मेरे साथ वो सलूक करते हैं, और मैं इस तरह से नहीं रह सकती, मैं नहीं रहना चाहती, बस मुझे न्याय चाहिए। एक अहम सवाल और है कि क्या आप सुलह करना चाहते हैं अपने जो वैवाहिक जीवन है उससे? सर मैं सुलह करने के लिए तैयार थी, लेकिन अब नहीं, अब मेरी जान पर बनाई है, अब मैं सुलह नहीं कर सकती। तो अभी आप क्या चाहते हैं? फाइनली बस मुझे न्याय चाहिए, जो मेरे साथ बर्ताव उन्होंने किया है, बस मुझे उस चीज से मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे बस न्याय चाहिए। एक NGO है, क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इस क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन
एनजीओ से जुड़ी हुई हमारे बीच शशि गौतम जी मौजूद हैं और शशि जी इस केस पर निरंतर नजर रखे हुए हैं, काफ़ी भागदौड़ करी इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए। तो जानते हैं हम कहाँ दिक्कतें आई हैं शशि जी को और कहाँ इस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है। शशि जी बताइए थोड़ा सा क्या दिक्कतें आ रही हैं। मेरा नाम शशि गौतम है, मैं क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हूँ, वुमन विंग महिला की। ये मेरे पास आए थे सुधा जी अपने भाई के और एक दीदी थी उनके साथ। उन्होंने कहा कि हमारी जो FIR जो भी मेरे साथ वारदात हुई है, प्रशासन उसका पूरा सहयोग नहीं दे रहा है। वो हमेशा उलपटान व्यवहार करता और भगा देता, कहता आपका सारा केस सिर्फ वुमेन सेल में जाएगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये मियाँ बीबी का केस है। जब मैंने इस बच्चे की एप्लीकेशन पढ़ी तो उसमें देखा कि उसको इतनी बुरी तरीके से मार रखा है कि फेस को नोच रखा है नाखूनों से, कोई इस तरीके से थोड़ी ना मारता है। और सबसे बड़ी बात उसकी गले पे निशाने से जान से मारने की कोशिश की, लड़की बेहोश थी। जब अगली सुबह इसको होश आया तो इसके हस्बैंड हरवीर सिंह जी ने ये कहा कि अगर तुम पैसे 2 लाख रुपये नहीं लेकर आई ना तो तुम्हारा फेस बिगाड़ दूंगा, या तो तुम यहाँ की रहोगी ना वहाँ की रहोगी। मैंने एप्लीकेशन को बोला कि जाके थाने में देख कर आओ, तो पुलिस वालों ने कहा कि हमने वुमेन सेल में ये एप्लीकेशन भेज दी है, जब तुमने रिसीविंग ही नहीं दी तो हम कैसे बिलीव करें कि तुमने ये केस वुमेन सेल में भेज दिया। रिकॉर्ड तो दो हमको, प्रशासन ही साथ नहीं देगा तो कहाँ जाएगी पब्लिक और किससे सपोर्ट मांगेगी। मेरा मकसद यही है कि इस बच्चे के साथ इंसाफ हो, पुलिस पूरा सहयोग दे ताकि इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए। इतनी देर का वारदात हो गई 4 जुलाई की, आज 9 जुलाई को आ गई, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं जब तक लड़ती रहूंगी जब तक इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है। तो हमारे बीच मौजूद थी शशि गौतम जी जो कि एक एनजीओ में कार्यरत हैं और ये कंटिन्यू लगातार इस केस को लेकर पृथक प्रयास कर रही हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, शासन प्रशासन दोनों से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। क्या यही हमारा न्याय है, क्या यही हमारी न्याय प्रणाली है? इस पर एक सवाल या निशान उठकर खड़ा होता है, आम जनता जो कि इतनी लाचार हो गई है, इसके क्या कारण है? आप लोग अनुमान लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बच्ची के साथ इनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से काम करें और किस प्रकार से ये आगे की तरफ इनका केस जाए और इन्हें इंसाफ मिले।